What is up, Foodscapers? How are you guys doing? And I think you guys are doing absolutely fine. बहुत टाइम हो गया यार, मैंने आपसे जरा भी बात नहीं की है एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू गाइज सो मच. सो आई एम बैक विथ ऑल माई एनर्जी, ऐसे भर भर के लाए हो अंदर. बट बहुत सारी चीज़ें हो रखी है जिसकी वजह से बहुत बड़ा डिस्टेंस आ चुका है हम लोगों के बीच में. इट वॉज अराउंड अबाउट 3 months आई हैव नॉट पोस्टेड एनीथिंग ऑन माई चैनल एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर इट. मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा एंड आई डोंट वॉन्ट टू ब्लेम एनी बडी फॉर एनी स्टूपिड रीजन. सो हर एक चीज़ जब तक फॉर्म में मैं खुद ला रहा हूँ तब तक मैं एक ऐसा पार्ट अपने चैनल पे ला रहा हूँ जिसको कहते हैं फूडकास्ट. फूडकास्ट इज नथिंग बट पॉडकास्ट विच इज़ रिलेटेड टू फूड. हर एक चीज़ जो फूड के बारे में रिलेटेड होगी ये फूडकास्ट में कवर की जाएगी. एंड आज मैं आपके साथ इस फूडकास्ट के मेन इवेंट के बारे में बात करूंगा. सो फूडकास्ट जब मैंने सोचा अपने दिमाग में एंड व्हेन आई थॉट अबाउट गेटिंग बैक ऑन यूट्यूब, मैं हर एक चीज़ अपनी एनालाइज कर रहा था और मैंने एक चीज़ जो उसमें मिस की विच वॉज नॉलेज. मैं आप लोगों को हर एक चीज़ सिंपल वे में बनाना तो सिखा रहा था बट मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन ही नहीं करवा पाया फूड से, या फिर मैं आपको उसके बारे में नॉलेज देना ही भूल गया. सो मेरा ये जो फूडकास्ट है ये उस उन चीज़ों को कवर अप करेगा जो मैंने मिस आउट की है और जिसके वजह से आप खाना और अच्छे से पकाने लग जाओगे. सो द टॉपिक फॉर टुडे इज फूड इटसेल्फ. फूड इज एन इमेजिनरी बैकग्राउंड विच इज सपोर्टिंग यू विथ एवरीथिंग. इट इज वाई एम सेइंग इमेजिनरी बिकॉज खाना हमेशा आपको अवेक रखता है. व्हेन यू थिंक अबाउट फूड यू आर ऑलवेज अवेक ऑन एवरीथिंग. यू आर अवेक ऑन हंगर, यू आर अवेक ऑन योर सेल्फ एंड यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इट. सो ये आपको जगाया हुआ रखता है, इसीलिए इट इज़ एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट. बट फूड इज नॉट इमेजिनरी, इट इज़ एन एक्चुअल कॉन्सेप्ट. सो फूड के बारे में बात करें तो क्या करें. सो फूड को इन्फ्लुएंस करती है 3 चीज़ें, विच इज टेस्ट, लुक्स एंड गैस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट. सो टेस्ट ऑब्वियस सी बात है, दिखने में खाना अच्छा भी रहे, खाने में गंदा गया, यू विल नॉट गो टूवर्ड्स फूड. न्यूट्रिशनल कंसेप्ट या फिर लुक्स वाइज, लुक्स के बारे में बात की जाए तो खाना भले ही टेस्ट में अच्छा हो बट उसमें कलर्स ही नहीं रहेंगे तो उसका कोई यूज ही नहीं है. सो बट इफ यू सी गैस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट एंड लुक्स आर द सेम बट आई विल ट्राई टू स्विच दिस लुक्स टू न्यूट्रिशन. अगर आप कोई खाना खा रहे हो और वो अगर नहीं रहा, मतलब व्हाट डू आई मीन इज कि अगर आप खाना खा रहे हो और उसमें न्यूट्रिशंस ही नहीं वो दे रहा है तो व्हाट इज द यूज ऑफ ईटिंग एनी फूड. सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, आपने कुछ खाया, उससे आपको ना प्रोटीन मिला ना कुछ और न्यूट्रिएंट्स मिले, या फिर बस आप खा ही जा रहे हो फॉर द सेक ऑफ जस्ट ईटिंग इट और इसकी वजह से आपके बॉडी को कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट. तो इसी बारे में न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इन बिटवीन फूड. और तीसरी जो चीज़ मैंने बोली जो गैस्ट्रोनॉमिक इफेक्ट है, गैस्ट्रोनॉमी इज नथिंग बट द कलर्स विच प्ले अराउंड फूड. सो गैस्ट्रोनॉमिक जो इफेक्ट आता है वो आता है कलर्स जो इम्बाइब होते हैं फूड में. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कह दिया चाइनीज तो आपके दिमाग में एक इमेज प्रोसेस होने लग जाएगी जिसमें आपको चाइनीज जो रहता है, हम लोग जो यूजुअली चाइनीज खाने जाते हैं वो चाइनीज फॉर्म होने लग जाएगा. या आपको अगर नूडल्स पसंद है तो आपको नूडल्स दिखेंगे, आपको अगर राइस या ऐसे कुछ चीज़ें पसंद है तो राइस याद आने लग जाएगा. बट द मोस्ट डेफिशिएंट थिंग विच यू विल इमेजिन अबाउट इट इज रेड कलर में जो आता है वो चाइनीज है. यूजली हमारे इंडिया में द चाइनीज वॉट वी ईट इज़ नॉट एक्चुअली चाइनीज. चाइनीज खाना जो हम लोग खा रहे हैं वो एक्चुअली चाइनीज है ही नहीं, वो इंडो चाइनीज हम लोग खा रहे हैं जो एशिया और इंडिया के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था. उसके इसमें जो कोई भी इंडो इंडो एशियन चीज़ें फॉर्म हुई है वो इधर चाइनीज कहा जाता है. बट चाइनीज फूड इज़ वेरी ब्लैंड, इट इज़ वेरी हेल्दी. आई एम लाइक कुछ चीज़ें मैंने ट्राई की है इंडिया में ही जो चाइनीज़ है. चाइनीज पीपल आर नॉट
inclined towards spices. They are not really eating spices as such. Whereas उनका जो खाना होता है वो usually steamed होता है. ये अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में लोग स्पाइसी खाने की तरफ ज़्यादा मुड़ते हैं. दे लाइक ईटिंग स्पाइसी फूड, दे लाइक ईटिंग रेड फूड फॉर दैट मैटर. सो आज के टॉपिक में मैं आपके साथ ये बात करना चाह रहा हूँ कि कलर्स हमारे फूड में कितने इम्पैक्ट रखते हैं. सो कलर व्हील अगर हम लोग ले तो कलर व्हील के हिसाब से कुछ कलर ऐसे हैं जो वार्म है, कुछ कलर बहुत ठंडे हैं, कुछ चीज़ें या फिर कुछ कलर्स बहुत डिप्रेसिंग है, कुछ कलर्स आर फन टू बी अराउंड. सो वार्म कलर्स में आते हैं रेड, ऑरेंज, येलो. सटल कलर्स में आते हैं ब्लू, नेवी ब्लू, या फिर लेट्स टेक फॉर एग्जांपल पर्पल, जो बहुत डिप्रेसिंग कलर्स है. एंड इफ यू से इंटरेस्टिंग कलर फॉर दैट मैटर, देन ब्लैक, या फिर एकदम ऐसा क्या कहें, लिक्विड ब्लैक, या फिर ऐसे कुछ कलर्स है, या फिर ब्राउन, विच आर वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, जिसकी वजह से क्यूरियोसिटी अंदर बिल्डअप होने लग जाती है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कलर व्हील समझना मेरे लिए भी इजी नहीं था. 4 साल निकल गए ये व्हील समझने में, बट नाउ आई कैन से दैट यस, देर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ इट जो मुझे समझ में आ गए. आगे जाके और चीज़ें समझ में आएगी और चीज़ें इस मेरे बातों में ऐड होगी और वो सफिशियंटली दिखेगा. अभी के लिए अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने कहा, वार्म कलर्स में आते हैं रेड, ऑरेंज एंड येलो. अगर आप किसी भी प्लेट में रेड, ऑरेंज और येलो चीज़ें देखोगे तो आपको भूख लग जाने लगती है. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई एपेटाइजर लेते हो, एपेटाइजर मतलब स्टार्टर्स, अगर आप कोई स्टार्टर्स लेते हो तो आपको स्टार्टर्स में यूजुअली ब्राउन कलर मिलता है विच इज़ डीप फ्राइड आइदर, या फिर आपको गोल्डन कलर मिल जाता है विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम डीप फ्राइड या फिर पैन फ्राइड किया जाए तो. बट आपको अगर मैंने फिर से कह दिया चाइनीज़, तो आपके दिमाग में बस वो रेड वाली चीज़ आ जाएगी, जिसमें अगर आप स्टार्टर्स में चाइनीज़ ले रहे हो तो पनीर आ जाएगा या फिर चिकन आ जाएगा, एज़ पर यू ऑर्डर, या फिर जैसे आपको पसंद है. यूजुअली अगर आप देखोगे तो होल्डिंग्स भी हर एक रेस्टोरेंट का एक अट्रैक्टिव पॉइंट होता है. स्पेशली अगर देखा जाए किसी भी चाइनीज काउंटर को, तो ये लोग सीधा रेड कलर का फ्लैग उनके इधर लगा देते हैं, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होने लग जाते हैं ऐसे ही, बिकॉज लोगों का मेंटालिटी जो है वो उस तरफ खिंची चली जाती है. बिकॉज जैसे मैंने कहा कि रेड कलर, ऑरेंज कलर और येलो कलर ऐसे हैं कि जिसकी वजह से भूख बढ़ जाने लगती है, विच आर वार्म कलर. ये भले ही येलो मैं जो बोल रहा हूँ वो येलो आप जो इमेजिन कर रहे हो उस बारे में नहीं है, आई एम सेइंग येलो इन केस ऑफ दाल. सो तड़का दाल या फिर रेगुलर दाल, वो जो कलर है येलो, जो डार्क येलो कलर आता है, उस बारे में मैं बात कर रहा हूँ. मैं आपको लाइट येलो के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. लाइट येलो कलर फूड में अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है. लाइट येलो कलर बस पोहा में आपको दिखने मिल जाएगा अगर हल्दी गलत प्रोपोर्शन में डाल दी तो. बट लेट्स कम बैक टू अ टॉपिक. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझने के लिए कि फूड और कलर्स का हमारे दिमाग पे क्या असर पड़ता है और भूख पे भी. सो व्हेन यू सी रेड कलर की चीज़ें, मैं भी खुद खींचा चला जाता हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि बस आप लोग ही खींचे चले जाते हो, मैं भी खुद उस तरफ खींचे चला जाता हूँ. मैं भी बहुत सफरसाइजिंग हो जाता हूँ कि मुझे भूख लगी है, मैं उधर जाने के बाद इम्पेशेंट हो जाता हूँ, मैं अपने दोस्तों का दिमाग खाने लग जाता हूँ, एंड आई जस्ट गो मैड ओवर फूड. तो अगर हम लोग देखें तो यूजुअली जो इंडियन खाना हम लोग देख रहे हैं, या फिर जो इंडियन खाना जो हमारे घर में बनता है, या फिर जो खाना हमारे घर में बनता है, उसका भी कलर सो व्हाट रेड की तरफ ही भाग जाता है. बिकॉज हमारे खाने में यूजुअली मिर्ची यूज होती है, हमारे खाने में हल्दी यूज होती है, जो दोनों कलर जब मिक्स हो जाते हैं तब रेड का फॉर्म और ब्राइट हो जाता है. सो यूजुअली हम लोग रेड के ज़माने में ही जी रहे हैं, जिसमें हम लोग को रेड देखने के बाद भूख लग जाती है, बिकॉज हमारे बचपन से मेंटल टेंडेंसी ऐसी है कि रेड जहाँ दिख रहा है वो अच्छा खाना है. इजंट इट? इफ आई एम नॉट टॉकिंग सेंस, यू कैन टेल मी एंड यू कैन एनलाइटन मी ऑन एवरी थिंग वॉट आई एम सेइंग. आपको अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूँ ऐसे दिख रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर दीजिए कि यू आर गोइंग रॉन्ग हियर, ये ऐसे होना चाहिए, एंड डेफिनेटली आई विल टेक इट इन पॉइंट. एंड अगर आपको कोई नए टॉपिक सूझ जाता है जिसको आपको सुनना पसंद है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग आपके टॉपिक्स ऐड कर दीजिए, एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर दैट मैं सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा. बात करना तो मुझे बहुत पसंद है, बट लेट्स कम बैक टू टॉपिक. एंड अगर आप देखोगे तो इंडियन इसमें दो चीज़ें बहुत, मतलब दो चीज़ें या फिर दो कलर बहुत ज़्यादा फेमस है, विच इज़ येल्लो एंड रेड. ब्लैक हमारे इसमें यूजुअली होता नहीं है. ब्लैक हम लोग कैसे कैसे देखेंगे कि आई विल गिव यू अ स्मॉल हिंट. अगर आप खवा वाला गुलाब जामुन खाओगे या फिर काला जामुन खाओगे, तो आप क्यूरियोसिटी से भड़क जाओगे कि भाई अंदर कौन सा कलर होगा. क्योंकि यूजुअली अगर हम लोगों ने काले गुलाब जामुन देख लिए, तो उसको कट करने के बाद यूजुअली अंदर तीन कलर्स होते हैं या फिर दो कलर्स हो जाते हैं. हमको लग जाता है कि भाई इसके अंदर कलर्स है, तो हम लोग एक्साइटमेंट से मचल जाते हैं कि लेट्स क्रैक इट ओपन, उसको खोल के देख लेते हैं, तोड़ के देख लेते हैं कि अंदर कौन से कलर्स है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि कलर्स का और क्यूरियोसिटी का एक नाता है. सो अगर देखा जाए ऑरेंज कलर भी, ऑरेंज कलर की क्या होती है, हमारी जलेबी होती है, तो जलेबी ऑरेंज कलर में आती है, तो हम लोग को भाई यार भूख लग गई है, जलेबी खाने का बहुत मन कर गया. और जलेबी के साथ क्या सबसे अच्छा जाता है, दैट इज़ मट्ठा. मट्ठा इज़ नथिंग बट बटर मिल्क विच इज़ हैविंग लिटिल बिट ऑफ स्पाइसेस अगर चाहिए तो, वरना जीरा मसाला और धनिया जाता है उसमें, थोड़ा सा मिर्च जाता है, एंड उसके साथ वाला हो जाता है. सो थोड़ा स्वीट और सार या फिर स्वीट एंड सॉल्टी ऐसा मट्ठा होता है, जिसके साथ जलेबी बहुत अच्छे से जाती है. बिकॉज जलेबी का जो स्वीटनेस है वो ऐसे खट्टे और नमकीन जो बटर मिल्क है उसके साथ, उसका भी टेस्ट एनहांस कर देती है स्वीटनेस ऐड करके, एंड जलेबी इट्सेल्फ सोक्स इट एंड इट बिकम्स वेरी फैबुलस. तो इस चीज़ में कैसे हो जाता है कि ये जो वाइट कलर है, वाइट कलर भी थोड़ा सा ऑफिस कलर में चले जाता है. वाइट कलर यूजुअली लोगों को पसंद नहीं आता है, वाइट कलर का ऐसा कुछ खाना लोगों को पसंद नहीं है, एक्सेप्ट फॉर मोमोज. मोमोज को छोड़ के किसी को अलग सा वाइट कलर का खाना खाना पसंद नहीं है. और अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है या फिर खुद एक्सपीरियंस भी किया है, तो अगर आप कहीं चाइनीज़ खाने जाओगे या फिर आप कहीं ऐसे खाना खाने जाओगे, तो आप वाइट चीज़ें जो है वो बहुत कम ऑर्डर करोगे. अगर आप देखा जाए तो सूप में भी यूजुअली हम लोग टमाटो का सूप प्रेफर करेंगे. वी विल नेवर गो फॉर अ क्लीन सूप, या फिर हम लोग कभी चिकन का ब्रॉथ पीने नहीं जाएंगे, बट ट्रस्ट मी गाइस वो बहुत सही लगता है, चिकन क्लियर सूप बहुत सही लगता है. अगर आप कहीं जाओगे लाइक चिकन खाने या फिर मीट खाने, तो उधर जाके आप आनी रस्सा पियोगे, तो आनी रस्सा भी इज़ नथिंग बट येल्लो कलर में चले जाता है. सो अगर हम लोगों ने देखा तो हमारे टेस्ट प्रेफरेंसेस सिंस चाइल्डहुड और आज तक एक ही लेवल पे जुड़े हुए हैं. अभी जाके जब नई नई चीज़ें इंडिया में आ रही है एंड जैसे हम लोग को चीज़ें समझ रही है, हम लोग इन कलर्स की तरफ इंक्लाइन होते जा रहे हैं. सो मैं अगर अभी बहुत बात करने लग गया हूँ तो बहुत बकवास करने लग जाता हूँ, इसीलिए रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है. बट आई विल कवर वन मोर पॉइंट एंड आई विल एंड अप दिस वीडियो. चीज़ें हिसाब से होती है, देयर इज लिमिटेशंस टू एवरीथिंग. कलर्स अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ गए तो वो डिवास्टेटिंग हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल एक चीज़ में कलर इतना ज़्यादा हो गया कि वो ज़ुबान पे भी लगने लग जाए तो कोई उसको खाएगा नहीं. जब तक चाइनीज़ में कलर है जो बस उंगलियों को लगे बट ज़ुबान पे नहीं, तब तक लोग उसको खाएंगे. अगर वो चीज़ ज़ुबान पे लगनी चालू हो गई तो Nobody is going to eat. Same goes for the chashni, same goes for the Indian food, same goes for every single
मतलब एवरी सिंगल कलर, हर एक चीज़ का बैलेंस में होना ज़रूरी है, जैसे एज इट गोज़ विद द ह्यूमन लाइफ। हर एक चीज़ अगर बैलेंस में करी जाए तो हर एक चीज़ ग्रेजुअली इम्प्रूव होती है। अगर आप ज़ीरो से सीधा ऊपर जाने की ट्राई करोगे तो वो वैसे भी होने वाला नहीं है, आपको बीच के स्टेप्स करने ही पड़ेंगे। और अगर आपने ये नहीं किया और आपने शॉर्टकट सिलेक्ट किया ऐसा कुछ जाके, तो ज़िंदगी के शॉर्टकट्स पता नहीं किस मोड़ पे लेके जाएंगे। इसीलिए सेइंग दिस, आई विल एंड अप टुडेज फूडकास्ट, एंड इफ यू लाइक दिस फूडकास्ट प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू फूडस्केप, मेक श्योर यू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, एंड वी आर बैक इनटू द गेम गाइस, लेट्स हाइप दिस अप, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सारी जगह पे हम लोग को फॉलो कर दीजिए। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर दीजिए, आई कैन हेल्प यू आउट एंड यू कैन हेल्प मी टू। सो सेइंग दिस, आई टेक ऑफ, पीस, बाय बाय।